जोधपुर में बीच सड़क पर स्कूटी सवार 17 साल की स्टूडेंट को बस ने कुचल दिया है। हादसे में स्टूडेंट की बहन बाल बाल बच गई। हादसा जोधपुर में बारबी रोड सर्किल पर रविवार दोपहर 2 बजे हुआ था। हादसे का लाइव वीडियो सोमवार को सामने आया है। वीडियो में बस का टायर लड़की के सिर के ऊपर से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार मूलतः बाड़मेर जिले में पचपदरा हालपाल रोड भादू मार्केट निवासी मन्नत पुत्री हीर सिंह खारवाल दोपहर में स्कूटी से किताब खरीदने गई थी। साथ में मामा की बेटी पूर्वी सिसोदिया भी थी। दोनों पाल रोड से जालोरी गेट गई थी। लौटते समय चौराहे पर ट्रैफिक की वजह से वह एक बार के लिए रुक गई थी। ट्रैफिक सिग्नल मिलते ही जब वह आगे बढ़ी तो पांचवी रोड की ओर से स्पीड में आ रही सिटी बस ने दोनों को रौंद दिया। स्कूटी सवार दोनों बहनें बस की चपेट में आ गईं और फिर सड़क पर गिर गई थी। इस दौरान मन्नत का सिर बस के नीचे आ गया था। इधर ड्राइवर भी घबरा गया और स्पीड में बस दौड़ाने लगा। इसी दौरान बस का पिछला टायर मन्नत के सिर के ऊपर से निकल गया। गंभीर हालत में मन्नत को शास्त्री नगर स्थित मथुरा दास माथुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में पूर्वी सुरक्षित बच गई है। जांच अधिकारी रामू राम ने बताया कि पिता हीर सिंह की ओर से रविवार शाम देवनगर थाने में ड्राइवर जीवराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया गया था। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।